प्रदेश भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। इसी के तहत भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है, साथ ही कॉलोनियों में बैरिकेड्स लगाकर बंद किया गया है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि दूध, दवाइयां, फल, सब्जियां की होम डिलीवरी की जा रही है। साथ ही बताया मोबाइल ऐप के द्वारा भी जरूरतमंद चीजें मंगवा सकते हैं। भीलवाड़ा निवासी उनको सुविधा दी गई है। बता दें भीलवाड़ा में अब तक कुल 28 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें से 24 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही कोरोना पॉजिटिव आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। वहीं स्वयंसेवी संस्थाएं और प्रशासन जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री बांट रहे हैं। तो आपको बता दें भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू की अवधि को बढ़ा दिया गया है, साथ ही जरूरी सामानों की होम डिलीवरी की जा रही है। कॉलोनियों के मुख्य रास्तों को बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। मोबाइल ऐप के जरिए भी डिमांड पूरी की जा रही है। जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों तक उनके कॉल के माध्यम से भी पहुंचाई जा रही है। किसी प्रकार की जनता को परेशानी नहीं हो, इसके तमाम प्रयास जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही भीलवाड़ा सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव केस यहां से सामने आया था, जिसके बाद प्रशासन ने कड़े कदम यहां पर उठाए, जिसके बाद अधिकांश मरीज थे सबको डिस्चार्ज किया जा चुका है, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स अब निगेटिव आ चुकी है। 2 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। वहीं सिर्फ 1 मरीज ऐसा है जिसकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई हुई है और उसका उपचार जारी है। बाकी भीलवाड़ा के जितने भी मरीज थे वो स्वस्थ हो चुके हैं और उनको घर भेज दिया गया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी योगेश, आपके वहां पर महाकर्फ्यू की अवधि को बढ़ाया गया है, जबकि अब पिछले कई दिनों से 1 भी कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन ने किसी प्रकार की राहत देने का फैसला नहीं किया है, क्या कहेंगे? जिला प्रशासन ने राहत देने का फैसला इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहाँ रुक रुक के कोरोना पॉजिटिव के केस आ रहे हैं। पहले बीच में 5 दिन पहले आया था, उससे भी 5 दिन पहले वापस केस आया था। इसलिए कोरोना चेन की संक्रमण चेन को रोकने के लिए ये डिसीजन लिया गया है कि महाकर्फ्यू की अवधि को आगे बढ़ाया जाए। जी, इसीलिए जो अभी लॉकडाउन भी 3 मई तक है, लेकिन महाकर्फ्यू भीलवाड़ा में जो चल रहा था 3 से 13 तारीख का, उसकी अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है। और इस महाकर्फ्यू में और सख्ती की गई है। जहां जहां से कोलानी के जो मुख्य मार्ग उससे जुड़ती हुई सड़कें थी, उनमें और बैरिकेड लगा के और पुलिस प्रशासन ने और वो सख्ती की अपील की है और आमजन को घरों में रहने के लिए अपील की है। आशीष, महाकर्फ्यू की डेट है वो कब तक है? 3 मई है या उससे पहले खत्म हो जाएगी? महाकर्फ्यू की जो डेट है अभी उसकी भी घोषणा नहीं की गई कब तक उसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसकी अवधि बढ़ाई है। अब शाम तक ये अभी प्रशासन से बात करके कि कितनी तारीख तक इसको बढ़ाना चाहिए, उसकी घोषणा होना बाकी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भीलवाड़ा संवाददाता योगेश शर्मा, जिन्होंने लेटेस्ट अपडेट दी कि भीलवाड़ा में महाकर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस के संक्रमित